नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे गार्डन में इस्तेमाल होने वाले एक ज़रूरी चीज़ स्टैंड के बारे में बात करूंगी, जिसमें हम अपने प्लांटर को रखते हैं और प्लांटर की खूबसूरती बढ़ जाती है। स्टैंड जो होते हैं गार्डन में, बहुत उपयोगी चीज़ है। आजकल के परिवेश में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्टैंड में जहाँ पर हम रखते हैं वहाँ पर उसमें ज़्यादा प्लांट आ जाते हैं। ज़्यादा प्लांट यानी कम स्पेस में ज़्यादा गार्डनिंग करने के लिए भी स्टैंड एक बहुत अच्छा विकल्प होता है। और इसके अलावा सफाई तो हम बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं स्टैंड लगाने से, क्योंकि उनके नीचे जो है स्टैंड के नीचे झाड़ू वगैरह लगाना और साथ ही जो है धुलाई वगैरह करना काफ़ी आसान होता है। स्टैंड में रखे हुए जो प्लांटर होते हैं उनकी खूबसूरती तो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़मीन में जितने प्लांट रखे होते हैं वो उतने अच्छे नहीं लगते, जबकि उनको एक हाइट मिलती है। हाइट में रखा हुआ प्लांटर काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। स्टैंड में प्लांट रखने से हमें जो है इंसेक्ट वगैरह का डर भी कम रहता है, क्योंकि जो पॉट रखे रहते हैं उसके नीचे कई बार हमें छोटे छोटे इंसेक्ट छुपने का डर रहता है। तो ये जिन लोगों को ये डर रहता है कि हमें गार्डन में जो है इंसेक्ट का डर रहता है, तो उन लोगों ने काफ़ी मात्रा में अपने यहाँ स्टैंड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस पर अपने प्लांटर को रखना चाहिए। तो मैं आज के वीडियो में अपने गार्डन में मैंने जो जो स्टैंड है मेरे पास वो सब दिखाऊंगी और उनके बारे में बताऊंगी। दोस्तों, मैं कई बार दिखाती हूँ, मेरे पास दो ये बड़े स्टैंड है। स्टैंड बनाने से पहले अब जो आप बनाते हैं अगर खुद बनवाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, वरन कि हम जो मार्केट से बने बनाए आजकल खरीद के लाते हैं। क्योंकि आप देखिए, इंटरनेट में एक से एक डिज़ाइन होते हैं, साथ ही अपने यहाँ की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें स्टैंड बनाना चाहिए। तो मेरे पास जो है इस तरह का स्पेस था, इस स्पेस को हमने अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए इस तरह का स्टेयर नुमा जो है एक स्टैंड दो बना रखे हैं। एक ये बना रखा है, एक स्टैंड ये बना रखा है। तो ये देखिए, दो पिलर हैं हमारे, तो इन पिलर के बीच में जो है जितना स्पेस था उस स्पेस को नाप के उस हिसाब से स्टैंड बना रखा है। तो ये माना जाता है कि एक पॉट मैक्सिमम जो होता है एक फुट के एरिया में आता है। तो मेरे एक स्टैंड पर जो है इस समय जो है आपको छः जो है ऊपर जो है पॉट लगे हुए हैं। देखिए, छः पॉट अरेंज है ऊपर की तरफ। सीढ़ीनुमा जो स्टैंड बनाते हैं वो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपके पास काफ़ी स्पेस होता है तो तीन भी बना सकते हैं, चार भी बना सकते हैं। मैंने दो बना रखे हैं, तो एक ये ऊपर वाले में आ गए, फिर जो है नीचे बीच वाले में आ गए, और जो नीचे का स्पेस बचता है उस पर आप ज़मीन में रख सकते हैं। क्योंकि एक जो है प्लांट के अरेंजमेंट काफ़ी खूबसूरत इस तरह से हो जाता है। नीचे से इसका स्पेस जो दोस्तों ये एक फुट का लिया जाता है, एक फुट और फिर दूसरे वाले का एक फुट, जिससे कि पॉट को जो रखने की जो जगह होती है वो सही होती है, हो जाती है उस तरह से। बहुत छोटा बनाते हैं तो हमारे प्लांट जो है काफ़ी नीचे हाइट पर रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि प्लांट जो है हाइट मिलती है तो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो मैंने जो आज जो स्टैंड बनाए हैं, जिन जिनके रेट मेरे को अभी पता है, मैंने रिसेंट बनाए थे, काफ़ी समय ज़्यादा नहीं हुआ, उनके रेट मैं आपको बताती जाऊँगी। दोस्तों, ये वाला और ये वाला देखिए, इनमें कितनी ज़्यादा मात्रा मेरे प्लांट जो है प्लांटर अरेंजमेंट हुआ है इनमें, और काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों मिला के हमारे 4500 रुपये 4500 के बने हैं। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी पड़े और काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि स्टैंड बेड जो है आप कभी भी जो है इस तरह की पट्टी लगानी चाहिए। अभी इनमें पुताई वगैरह होगी, अब दिवाली का टाइम आ रहा है, तो जिससे कि हम जो प्लांटर रखते हैं उनमें ड्रेनेज होल से पानी इन जो स्पेस होता है वहाँ से निकल जाता है। और इस तरह के चौड़े पट्टे नुमा वाले लेने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे और मजबूत रहते हैं, वरन कि आजकल जो है सरिया वाले बनाते हैं वो उतने मजबूत नहीं होते हैं। स्टैंड के पीछे ही देखिए, एक खाली इस तरह से ये लगा दिया गया था, तो ये भी हमारे काम का है। इस पर मैं इस तरह से अपने प्लांट को हैंग कर लेती हूँ, यानी कि जिनको मुझे बहुत तेज सनलाइट से बचाना होता है। तो इन प्लांटर की जो बड़े प्लांटर लगे हैं उनकी सेड में मेरे सेकुलेंट या बहुत नाजुक प्लांट जो होते हैं वो आराम से हैंग हो जाते हैं छोटे छोटे बोतल वगैरह में। दूसरे दोस्तों, मेरे पास ये वाले स्टैंड हैं, सिंगल वाले स्टैंड मेरे पास 10 हैं।
तो 10 स्टैंड ये मैंने बहुत पहले बनाए थे, इसको काफ़ी समय हो चुका है। उस समय तो ये 100-100 रुपये का एक पड़ गया था, पर इस समय हम लेने जा रहे हैं तो 150 से करीब बता रहे हैं, पर ये मेरे काफ़ी मजबूत चले तो बहुत समय मुझे हो गया इन स्टैंड को बनाए हुए। तो ये मैंने शुरू में सबसे पहले जब स्टैंड बनाना शुरू किया था, पहले स्टैंड मैंने यही बनाए थे। नेक्स्ट मैंने देखिए दोस्तों ये 3 को मिला के एक बनाया, ये देखिए बीच में भी जो है इनमें मजबूती दे रखी, पर मुझे ये इतना बेनिफिशियल नहीं लगता है क्योंकि बीच में या तो इसमें बहुत छोटे छोटे पॉट अरेंज होते हैं मेरे, बड़े पॉट अरेंज करती हूँ तो बीच का जो है मुझे स्पेस यूज करने लायक नहीं लगता है, बहुत छोटा प्लांटर ही उसमें मैं रख सकती हूँ। मैंने इसमें जो है एक्जोरा के बड़े बड़े प्लांटर रख रखे हैं तो मेरे लिए इतना मुझे बेनिफिशियल नहीं होता है। मुझे अच्छा लगता है कि अलग अलग जो स्टैंड बनाए हैं या फिर बहुत बड़े वाले जो स्टेयर नुमा हैं वही मुझे खूबसूरत दिखाई देते हैं और यूजफुल लगते हैं। प्लांटर को रखने के लिए हम स्टैंड बनाते हैं, स्टैंड अगर ज़्यादा यूजफुल नहीं हो पाएंगे तो हमारे लिए उतने काम के नहीं है वो। नेक्स्ट दोस्तों ये मेरे नए स्टैंड आए हैं, ये स्टैंड जो है ये बीच में जो है एक रॉड है और रॉड के जो है उसने इसमें 4 प्लांटर एट ए टाइम आएंगे। मुझे इसमें क्योंकि मैं खुद नहीं जा पाई थी, मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है, इसका उसने भरपूर यूज नहीं कर रखा है। यहाँ पर भी एक प्लांट और इसमें लग सकता था इस साइड को, वैसे उसने इसको जो है इस तरह से सीढ़ी नुमा शेप दे रखा है। तो ये मेरे नए 2 स्टैंड आए हैं। अब इसमें देखिए प्लाइमर हो गया है, कभी भी स्टैंड लाके जो आयरन के होते हैं उनमें जो है प्लाइमर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए अच्छी तरह से, उसके बाद ही मनचाहा कलर लगाना चाहिए। तो ये 2 स्टैंड जो है मेरे प्लाइमर हो चुके हैं, इसमें जो है मुझे अब कलर करना है। इनका रेट का यह है कि मेरे जो हमारा जो काम चल रहा है कहीं पर तो मकान का, उसमें 7 बन के आए हैं, इसलिए मुझे इसके रेट का अभी फाइनल नहीं हुआ है। बड़े बड़े स्टैंड के अलावा इस तरह के छोटे छोटे स्टैंड भी काफ़ी यूजफुल होते हैं। ये देखिए ये मैं आपको बताया था मैंने 50 रुपये का पड़ा है, ये तो काफ़ी सस्ते होते हैं और ये मेरे उतने ज़्यादा मजबूत तो नहीं होंगे, पर छोटी छोटी मेरी मटकियों को इनका वेट ये आसानी से सहन कर ले रहे हैं। तो ये भी स्टैंड मैंने नए लिए हैं। बाहर के अलावा इंडोर के लिए भी स्टैंड बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये देखिए 1 फुट का स्पेस ये होगा नीचे से, और ये मैंने अपने यहाँ की नफ़ा के कितनी मेरे पास स्पेस है उस हिसाब से स्टैंड बनाए थे। तो ये मैंने 2 बनाए थे उस समय, एक स्टैंड ये है। देखिए सफाई वगैरह का काफ़ी अच्छा रहता है इंडोर में, गार्डन में हम बनाते हैं तो इंडोर में जो है इंसेक्ट वगैरह का बहुत डर रहता है, इसलिए स्टैंड बहुत ज़रूरी होता है। तो ये स्टैंड मेरे को उस समय पड़ा था 2600 रुपये का, यानी 2600 का। ये देखिए एक बहुत छोटे छोटे स्टैंड दीवार के लिए आजकल काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो ये स्टैंड मैंने अमेजोन से मंगवाए, ये तो मुझे काफ़ी कॉस्टली लगे। अगर हम मार्केट में बनाते तो मार्केट में तो बहुत सस्ते पड़ जाते इस हिसाब से, पर शौक था अच्छे लग रहे थे तो मैंने मंगाए थे, तो मुझे ये 999 रुपये के यानी 1000 रुपये के पड़े हैं ये स्टैंड। तो ये देखिए दीवार की खूबसूरती काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है इससे। इस पर जो है हम और भी प्लांट को जो है जगह इसलिए दिख रहा है, आपको डिजाइनिंग दिख रही है, इस पर आप कुछ भी हैंग कर दीजिए तो और भी खूबसूरत दिखाई देता है। तो ये एक स्टैंड ये है मेरे पास। इसके अलावा ये मेरा DIY स्टैंड है, ये मैंने खुद बनाया था। ये ड्रेनेज पाइप है, ड्रेनेज पाइप के सेंटर में देखिए स्टैंड का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटर को वो अपने अंदर समाहित कर सके, अपने पास रख सके, कम स्पेस में ज़्यादा प्लांट को लगाने से मतलब हुआ और खूबसूरत भी दिखाई दे। तो एक देखिए इसको आप नीचे रखेंगे तो इसकी टेंगल हार्ट की इतनी खूबसूरत दिखेगी, तो सेंटर में इसमें बदल बदल के कुछ भी प्लांट लगा सकती हूँ मैं। तो एक ये लग गया है, एक प्लांटर ये लगा है, इसमें जो है कील हैं ये देखिए, इस पर मैं इनको फंसा भी सकती हूँ इस तरीके से इतने छेद करके, साथ ही इस तरह से मैं हैंग भी कर ले रही हूँ। तो एक ये लगा है, एक ये लगा है, ये पीलिया का प्लांट, और एक ये लगा है, ये देखिए ये भी टेंगल हार्टी है, और साथ ही देखिए ये लगा है क्रिपर चार्ली, ये जो है इसमें जो है मैंने सेट कर रखा है यहाँ पर से। ये देखिए अंदर से जो है इसमें एक जो है जो पेचकस होता है उससे कस रखा है, तो काफ़ी समय तक इसमें बना रहता है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसको बने भी 2 साल हो चुके हैं। इसमें नीचे जो है एक मैंने ये पॉट में बना रखा है, ये पॉट भी खुद DIY करके बनाया था। तो इसमें जो है किसी भी आप जो है मजबूत चीज़ में नीचे से करके बीच में एक बड़ा ड्रेनेज पाइप लगा के और इस तरह से कीले बनाकर इनमें अपने प्लांट को हैंग कर सकते हैं। छोटी छोटी बोतलें टांगने के लिए बहुत अच्छा बन जाता है ये।
दोस्तों कुछ चीज़ें जो हैं हमारे जुगाड़ के स्टैंड भी होते हैं। तो ये देखिए, एक ही रॉड है। उस समय जब ये मकान बना होगा, मुझे उस समय इतना आइडिया नहीं था कि मैं कभी इस तरह से प्लांट को हैंग करूँगी। तो इस तरह से एक रॉड को दोनों तरफ से मजबूती से बांधा गया है और फिर उन पर जो है बीच बीच में तारों से इस तरह के तार लगा के उनमें अपने प्लांट को हैंग किया गया है। ये भी एक तरह का स्टैंड है। और एक रॉड जो है करीब इसको 3 साल करीब हो गए हैं यहाँ पर टंगी हुई है, मजबूती से टंग रही है ये भी। तो ये भी अपने जुगाड़ का एक मेरा स्टैंड ही है। हमारे पास इस तरह की घर में पुराने टाइल्स वगैरह पड़ी होती हैं तो वो भी स्टैंड का ही काम करती है, यानी कि प्लांटर को थोड़ी हाइट देने के लिए। तो दो ईंटों के साथ जो है इस तरह से टाइल्स को रखकर, या लकड़ी के जो हमारे पास बड़े बड़े पुट्ठे होते हैं उनको रखकर भी हम स्टैंड का काम ले सकते हैं। दूसरा, मैंने ये देखिए एक लंबा सा बांस का टुकड़ा पड़ा था जहाँ हमारे यहाँ पर जो है कुछ काम हुआ होगा तो ये छोड़ गए थे कोई लोग, ऐसे ही पड़ा था। तो मैंने इसको दो अशोका के पेड़ में इस तरह से अटका दिया। तो क्योंकि मेरे पास हैंग करने के लिए कुछ नहीं था, ये भी बहुत ज़्यादा एक अपने उसके दिमाग के स्टैंड है मेरी तरह से, तो इस पर मैं इस तरह से अपने जो है परमानेंट प्लांट को इस तरह से हैंग कर रही हूँ। तो ये काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। सैकुलेंट अच्छे सभी को लगते हैं पर इनको ओपन में रखना बहुत बड़ा टास्क होता है। ये अक्सर मर जाते हैं उसमें, क्योंकि ज़्यादा बारिश और ज़्यादा धूप ये सहन नहीं करते हैं। तो इनके लिए मैंने ये देखे इस तरह सा ये कवाड़ से लिया मैंने। कवाड़ वालों ने मुझे ये 250 या 300 रुपये में दिया था, तो मैंने इसको कलर करके इस तरह से, अब जब इसमें दोबारा पुताई का सीजन चल रहा है तो फिर से करूँगी इसको कलर। तो इस तरह से अपना एक ये जो है रैक को मैंने स्टैंड के रूप में यूज किया है। नीचे दो पार्ट में तो मैंने प्लांट लगाए ही, साथ ही ऊपर की जगह पर इस तरह से और भी स्पेस में जो है प्लांट रखने का जगह मिल जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको अपने गार्डन में मैंने जो स्टैंड यूज करती हूँ उनके बारे में बताया, का रेट भी बताए उनके, और उनकी मैं जो क्या यूज है, क्या यूजफुल, कितने मेरे लिए हो रहे हैं ये सब बताया। कुछ मैंने अपने DIY जो स्टैंड में रखे हैं वो दिखाए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।